गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज आज है 20 फरवरी, यानी कि आज है सैटरडे और मैं अभी भी यहीं हूँ हरिद्वार में। एक्चुअली मेरे को जाना था घर अपने मायके, बट मैं नहीं जा पाई। पापा को छुट्टी नहीं मिली थी, जैसे आप पापा को मेरे छुट्टी नहीं मिली आने के लिए और भैया थोड़ा बिजी चल रहे थे, तो इस वजह से मैं जा नहीं पाई। बट आज मेरे पापा यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि मेरे मायके से मुझे लेने हरिद्वार में आ रहे हैं आज। मे बी मैं कल या परसों यहाँ से चले जाऊंगी। सो मुझे लगा अपना एक ब्लॉग बना ही देती हूँ, क्योंकि अब जाने वाली हूँ तो एक ब्लॉग बना ही देती हूँ। मैंने अपने एनिवर्सरी पे ब्लॉग बनाया था, बाकी मैंने ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया, क्योंकि आप लोग जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे तो वो कुछ पहले मसूरी के देखेंगे आप लोगों ने, जो भी देहरादून के ही ब्लॉग है मेरे सारे, अभी जो भी मतलब करंटली अपलोड हो रहे हैं वो सारे देहरादून के ही ब्लॉग हैं। बस मैंने बीच में अपनी एनिवर्सरी वाला ब्लॉग बनाया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बनाया, तो मैंने सोचा आज एक ब्लॉग बना लेती हूँ गाइज। तो आज इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को बस अपना दिनचर्या दिखाऊंगी। दिनचर्या क्या, आधा दिन तो चले गया है, 3 बजने को आ गई है, 3 बजे मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को भी मतलब दिखाई देती हूँ आप अपना ब्लॉग। पापा आएंगे वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। इसके साथ आज मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोगों को कुछ ऐसी खास दीदियों से मिलाऊंगी। ये दीदी लोग जो भी हैं ये मेरे मतलब घर के सामने पर रहती हैं, जहाँ पे मेरा भैया घर है उसके सामने पर रहती हैं। वो लोग मेरा कंटिन्यू ब्लॉग देखती हैं, तो मतलब वो मेरे को, उन्होंने मेरे को तो नहीं बोला बट मेरे दी को बोला था कि हम भी ब्लॉग में आना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि यार जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, भले वो मेरी दी लोग हैं, मैं जानती हूँ उनको, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं वो, तो मुझे लगा कि यार उनका भी एक मतलब उनसे भी बातचीत कर लेनी चाहिए, उनका भी ब्लॉग बना लेना चाहिए, अपने ब्लॉग में मतलब उनको ऐड कर लेना चाहिए। तो मुझे लगा आज मैं उन दी लोगों के साथ आप लोगों का इंट्रो करवाऊंगी और देखती हूँ उन लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, क्या क्या वो बताती हैं। बस तो मैं उतनी फ्रेंकली उनके साथ मतलब बात नहीं करती, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मतलब थोड़ा ही पहचानती हूँ, 1-2 दिन मैं यहाँ पे आती हूँ तो क्या इतनी मतलब बातें होती नहीं है। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी, मैं उन लोगों से जानना चाहूंगी कि वो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं तो उनको कैसा लगता है, मतलब जो कुछ भी होंगे मैं आप लोग को इस वीडियो में बताती रहूंगी। और गर्मी यहाँ पे इतनी होने लगी है, अब मैं सोच रही हूँ जब यहाँ पे इतनी गर्मी है तो गुड़गांव में पता नहीं क्या हो रहा होगा। मैंने पूछा भी था इनसे कि गुड़गांव में गर्मी कितनी होती है, तो ये बोलते कि गुड़गांव में गर्मी होनी शुरू हो गई है। बाकी ये देखो गाइज आप मेरा फेस देख रहे होंगे ना, बोले आप सोचेंगे इसने मतलब न सिंदूर लगाया है, न कान की बाली पहनी है, ना बिंदी लगाई है। यार जैसे अभी थोड़ी देर पहले नहाई थी तो नहीं किया मैंने, अब कर लूंगी, बट मुझे पता है करना चाहिए, बट नहीं किया मैंने, अब लगा लूंगी। बाकी ये देखो गाइज मेरे फेस का ना, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं जब भी गाँव आती हूँ मेरा फेस का बुरा हाल हो जाता है। अब देखो ना पूरा ये इस पोर्शन में और इस पोर्शन में ऐसी झाइयाँ होती ना, जो वो पड़ गई हैं, पता नहीं कैसे ठीक होगी, बट ठीक हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि ये रहती रहती हैं, ठीक हो जाएगा ये गुड़गांव जाते ही। सो मे बी ऐसा हो सकता है कि बोलते हैं ना लोग पानी चेंज होता है, या फिर अगर हम दूसरे वेदर में आते हैं तो चेंज हो जाता है ना मौसम, तो शायद से ऐसा होता होगा, क्योंकि खाना खाने के बाद नींद आ जाती है, चावल खाने के बाद तो ज़्यादा ही नींद आ जाती है। तो थोड़ा सा अभी मैं वॉक कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपना वजन भी कंट्रोल करना है, जैसे आप लोगों ने देख ही लिया होगा मैं अपने वजन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, बट यहाँ पे बहुत कम हो पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है मेरे से, क्योंकि मेरा जो घूमने का टाइमिंग था, जो मैं पहले घूमती थी गुड़गांव में, यहाँ पे नहीं हो पा रहा ना मैं जा पा रही हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि थोड़ा अपना ऐसे ही वॉक करती रहूँ, खाने के बाद वॉक करती रहूँ, तो अभी मैं वॉक कर रही हूँ। सो चलो ज़्यादा बड़ी नहीं करती हूँ वीडियो, आपको दिखाना भी है मैंने इस ब्लॉग में आगे कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी, तो चलो अभी मिलती हूँ आपको सीधा शाम को। ओके सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं पार्लर, थोड़ी सी थ्रेडिंग करवानी थी, और मैंने कल अपने बालों पे ना मेहंदी लगाई, तो आप लोग ये देखिए मेरे बालों का कलर ही चेंज हो गया है, क्योंकि थोड़ा अजीब से लगा था तो कलर बिल्कुल अब रेडनेश आ गई है देखो। एनीवे अभी हम लोग जा रहे हैं, दी और मैं जा रहे हैं पार्लर, तो चलो ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक पे ही है यहाँ पे पार्लर, पहले वहां चल लेते हैं, फिर मैं दिखाऊंगी आपको कैसा यहाँ पे पार्लर है।
हम आ चुके हैं पार्लर से। थोड़ा सा मैंने हेयर कट करवाया, आप लोगों ने देख लिया होगा, थोड़े से मैंने बाल कट करवाए और कुछ हमने ये बिस्किट वगैरह लिए हैं बच्चों के लिए, खुद के लिए भी, शुगर फ्री हैं। बाकी मैंने हेयर कट करवाए थोड़े से, और जो ये पीछे आप ग्राउंड देख रहे हैं ना, ये वही ग्राउंड है जहाँ पे पीठ लगती है। यहाँ की पीठ की मैंने शायद से आपको वीडियो दिखाई दी थी, यहाँ पे किस तरीके की पीठ मार्केट लगती है, यानी कि मंडी लगती है। सो अभी तो यहाँ पे खाली है, यहाँ पे मंडे और फ्राइडे को ही शायद से मंडी लगती है, होता है ना कई जगह तो लगता है, जैसे गुड़गांव में तो हमेशा ही लगती है, बट यहाँ पे मंडे और फ्राइडे को लगती है। तो अभी हम जा रहे हैं घर, और घर जाते मैं आप लोग को मिलाती हूँ अपनी दीदी लोगों से। सो हम आ गए हैं अपने भैया की शॉप पे, ये है भैया की शॉप, यहाँ पे छोटी सी शॉप है जो भी हाल फिलहाल में खोली है। सो गाइज अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, तो पहले मैं अपना फोन सेट कर लेती हूँ। हाँ जी, तो मैं आ चुकी हूँ किचन में, और अभी मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मेरे पापा आ गए हैं, यानी कि मेरे पापा मुझे लेने के लिए आ गए हैं हरिद्वार। हाय, आप अपना नाम बताओ। क्या है? भव्या राजपूत। बोलो हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस। चलो अभी मैं जा रही हूँ, बाद में आऊंगी, ठीक है? यहाँ से ठीक है। सो अभी हम जा रहे हैं दीदी के घर पे, और ये है हमारी गली, मेरे भैया की गली, और मैं जा रही हूँ, पापा जा रहे हैं, दीदी जा रहे हैं, दीदी का घर। मैं बताती हूँ, ये भैया की गली है, तो इसके जस्ट सामने वो वाली गली है ना, वहाँ पे तो वो है दीदी का घर, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। सो चलो चलते हैं, पीछे से पापा और दीदी भी हैं। पहले हमने सोचा मैं दी लोगों से आपको मिलाना चाहती थी, जो हमारे गली में, मतलब पापा की गली, यहाँ भैया की गली में है, बट वो दी लोग अभी हैं नहीं, उन्होंने कहा हम थोड़ी देर में आते हैं तब व्लॉग में आएंगे, तो इस वजह से पहले हम दी के घर में प्लॉट में जा रहे हैं। सो यहाँ पे मेरी दी का घर बन रहा है, मेरे भैया की गली के पास में ही, तो मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कैसे क्या बन रहा है, क्योंकि मैं ना छोटी छोटी मेमोरीज रखना चाहती हूँ। मेरी दी, मतलब उन्होंने मेरे को बोला था कि तू ब्लॉग बना दे, और जो हमारा ये घर अभी खड़ा हो रहा है, तो इस घर को तू मतलब अपने ब्लॉग में डाल, ताकि इन फ्यूचर हमें, मतलब एक होती है ना, हर इंसान का होता है, अगर वो अपना घर बना रहा है तो वो, तो हर इंसान को रहता है कि वो अपने, मतलब हर एक छोटी चीज़ों को सेव करके रखे, ताकि आने वाले टाइम पे वो इन चीज़ों को देखो तो उनको खुशी हो। सो अभी चलो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है दी का घर जो बन रहा है, अभी अभी प्रॉपर नहीं बना है, इस पर अभी मतलब ये प्लास्टर वगैरह हुआ है ना अंदर, इस पर भी पत्थर वगैरह लगेंगे, सामने आपको पत्थर दिख रहे होंगे। ये दी का बेटा है, ये थोड़ा यहाँ पे पानी डाल रहा है मकान को पक्की करने के लिए। तो कुछ इस तरीके का बना हुआ है दी का घर, अंदर क्या है मैं वो आपको नहीं दिखाऊंगी, वो बाद में जब आऊंगी यहाँ पे तब दिखाऊंगी। सो अभी यहाँ पे पापा फर्स्ट टाइम आ रहे हैं दी के घर, मतलब देखने के लिए, उन्होंने देखा नहीं था किस तरीके का बना हुआ है, तो वो देख रहे हैं कि क्या क्या किस तरीके से घर बना हुआ है, और कुछ ऐसी गली है ये, यहाँ पे भी लोगों के घर, ये अभी जस्ट बना हुआ है। सो प्लास्टर यहाँ पे हो चुका है अभी, और यहाँ पे ये पत्थर भी आ चुके हैं दी के जो घर पे पत्थर लगेंगे, और बाकी देख सकते हैं आप लोग काम चल रहा है यहाँ पे, प्रॉपरली काम नहीं हुआ है अभी, मे बी ये अप्रैल तक या मई तक ही काम चलेगा, उसके बाद दी लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो मुझे लगा दी का मतलब पूरा लुक तो मैं नहीं दिखाने वाली आपको, अंदर किस तरीके का बनाया हुआ है, बट 3BH का लगा के चल सकते हैं आप लोग, 3BH का ये सेट है, और काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, मतलब ना काफ़ी बड़े बड़े बेडरूम निकल जाते हैं, क्योंकि लेंथ इसकी, चौड़ाई इसकी बहुत अच्छी है। देखो हमारी दूसरी सब्सक्राइबर आई नहीं थी, पहली सब्सक्राइबर है ये, हाय बोल दो। हाय, ये दीदी हमारी, दीदी लगती है हमारी, दूसरी सब्सक्राइबर है ये, हाय बोल दो आप भी। हेलो, हाय बोलो बेटा, हाय बोलो। चाची बोल, हाय चाची बोल। चाची कहाँ से हुई? बुआ। नहीं ये मेरी वीडियोस देखते हैं, ये दीदी भी और ये दीदी भी,
सो ये मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और मेरी दीदी हैं। बोलो हेलो, हेलो सब्सक्राइब कर दो चैनल हमारा। दोस्तों कैसे हो? बोलो बोलो मेरी बुआ के चैनल से। हेलो गाइस, अभी आ चुकी हूँ मैं और मैं आप लोगों को मैंने अपने मतलब दी लोगों से भी मिला लिया है। ये दी लोग मेरे भैया के घर के पास में ही रहते हैं और ये मेरे चैनल को कंटिन्यू देखते रहते हैं, यानी कि मेरे ब्लॉग्स को देखते रहते हैं। इनको मेरे ब्लॉग्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं। ये लोग मुझे बोले थे कि हमारी भी मतलब एक बार वीडियो मतलब बोल कह रहे थे वीडियो बना मतलब वो चाहते थे कि वो लोग भी वीडियो में आए। तो मेरा फर्ज है यार, भले ही मेरे दी लोग हैं बट मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और मेरा फर्ज है कि मैं उन लोगों को वीडियो में लाऊं। सो मैं उन लोगों को अपनी वीडियो में लेके आई। थोड़ा बहुत वो लोग शर्माए, बोल नहीं पाए क्योंकि होता है यार फर्स्ट टाइम कोई कैमरे के सामने आता तो थोड़ा शर्म सी तो लगती है, तो वो लोग उस तरीके से नहीं बोल पाए। बट मैंने आप लोगों को अपनी इन दी लोगों से मुलाकात करवा ली है। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये दी लोग काफी ज्यादा पसंद आई होंगी। सो गाइज, जस्ट जैसे आप लोगों ने देख लिया, मेरे पापा भी आ चुके हैं और अभी पापा गए हैं भैया की शॉप पे, साथ ही साथ हम दी के घर पे गए थे भी जहां पे दी का घर बन रहा है। वहां से आने के बाद मैंने दी लोगों से आपको मिला लिया है और अभी टाइम हो चुकी है, 7 बज चुकी है शाम की और शाम को यहाँ पे थोड़ा बहुत ठंड हो रही है। पूरा दिन तो यहाँ पे गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, हद से ज्यादा गर्मी है। शाम के टाइम और सुबह के टाइम 6-7 बजे के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ी बहुत ठंड है। सो बस मैंने ले लिया फिर ये शॉल वॉल क्योंकि ठंड है भाई, अब लेना ही पड़ेगी। तो भाई चलो अब अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और मेरी जो दीदी लोग हैं इनसे मुलाकात करके भी आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आया होगा। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगा तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों को बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को मेरी जो नेक्स्ट वीडियो दिखेगी मे बी मेरे हरिद्वार से और मेरा जो मायका है आदि बद्री, वहां की मेरी जर्नी दिखेगी। तो चलो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।